भैया भैया वाह रे छोटे, बहुत सयाना हो गया है तू तो। अब पहले तू हमसे पूछे बिना कुछ ना करता था, पर अब क्या हुआ? अरे जो बात हमें तुझसे पता चलनी चाहिए थी, हमें बाहर वालों से पता चल रही। 15 दिनों से तूने छोरा छोरी को घर में छुपा के रखा और हमें खबर तक न लगी। क्या सोचा था तूने? तुझे कुछ पता है? अरे तूने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। खानदान की, स्कूल की मान मर्यादा को तूने ठेस लगा दी। भैया आप ये सब बातें छोड़िए और बच्चों को बचाने की सोचिए। बातों को छोड़ो, बच्चों को बचा लो। अरे क्या बचाएंगे हम बच्चों को और खुद को? वो अम्मा जी है ना, हम सबको जलाकर खत्म कर देंगी, और हमें ही नहीं हमारी इस नई पीढ़ी को भी समाप्त कर देंगी। करेंगे, हम ही करेंगे, अब तक हम ही करते आए हैं। लेकिन याद रखो, अम्मा जी के पास चलना पड़ेगा, हम जाएंगे, पर एक बात कान खोल कर सुन लो, अम्मा जी जैसा बोलेंगी हमें वैसा ही करना पड़ेगा। कि अगर हमें अपनी इस पीढ़ी को बचाने के लिए नंदिनी को भी खत्म करना पड़ा तो हम खत्म करेंगे। शिष्टाचार, संस्कार, यही शिक्षा प्राप्त की है तुमने? न नमस्कार, न चरण स्पर्श, सब भूल गई? यही शिक्षा मिली है तुम्हें? यही पढ़ने गई थी तुम वहां? ये मंगलसूत्र और ये तुम्हारी मांग में सिंदूर, वो भी एक एक छोटी जात के छोरे के साथ? एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं। आखिर एक शब्द भी मुझसे निकला, यह एक कार देगा तुम्हें। आखिर नीचे वरना नोच लेगा तुम्हारी आंखें। चलो मेरे साथ, अम्मा जी के पास चलना है, अभी आओ। रुके क्यों हो, चलो। देखो दीनदयाल, जो होना था सो हो गया, अब यहां आ गए हैं, अम्मा जी जैसा बोले वैसा करो, समझ गए? भैया आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों को बचा लो। तेरी छोरी का नाम नंदिनी है। मिट्टी में मिला दिया पूरे बिरादर का नाम। छोरी ना समझ है, उसको माफी दे दो। हाँ
ऐसो है, ऐसे में माफी नहीं, विदाई दी जाती है। छोटे जात के छोरे के साथ भग गई तेरी छोरी, और तुझे कानों खान खबर नहीं हुई। ये तो अच्छा हुआ गांव की थान में यहां बुला लिया, नहीं तो थू थू हो जाती। अबे ऐसा कर, कुलदेवी मंदिर जा, ले जा छोरा छोरी को, शुद्धि करके ले आ तू। अब तू बड़ा भाई है ना, हैं? समझाता क्यों नहीं? नाक कटा दी, नाक कटा दी पुरी बरादरी में। नंदिनी, मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो। तुम्हें और नकुल को फौरन यहां से निकल जाना है। मैं तुम्हें बस स्टैंड छोड़ाता हूं, वहां से जो पहली बस मिलती है, जहां की भी मिलती है, तुम चली जाओ। तुम्हारी जान बचाने का बस यही एक तरीका है। नहीं बेटा, मेरी बात मानो, मैं अम्मा जी से मिलकर आया हूं और उन्होंने तुम्हें कल वहां बुलाया है, लेकिन वहां जाने का मतलब है कि तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा मेरी बात मानो, पापा चले। पापा मुझे वो आप सफेद कोली दे देना। आपको याद है जब मैं स्कूल में जाती थी मुझे हमेशा चोट लगती थी, और मैं जब घर आती थी तो आप मुझे वो सफेद गोली दिया करते थे, तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता था। आप आज भी ना मुझे वो सफेद गोली दे देना पापा। मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैं अपना होमवर्क भी नहीं करती थी, बल्कि आप ही मेरा होमवर्क किया करते थे। और अगर स्कूल में टीचर मुझे डांटती थी तो उल्टा आप ही उन्हें डांटा करते थे। पापा याद है हमारे गांव में हर साल मेला लगा करता था, और आप हर साल मुझे उस मेले में लेकर जाते थे। आपको याद है मैं 8 साल की थी तो उस मेले के अंदर मुझे गुलाबी रंग की सलवार कमीज पसंद आ गई थी, और मैंने बहुत जिद की थी कि मुझे वो सलवार कमीज दिला दो। उस वक्त तो आपके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी आपने मुझे वो सलवार कमीज दिला दी। ये सब मेरे वजह से हो रहा है ना? मैंने आपको बहुत परेशान किया है। पापा आपको वो कुछ करेंगे तो नहीं ना?
बहुत देर हो गई है, चलो चलते हैं। तो ये है तेरी छोरी, इतनी सी थी, बड़ी हो गई, पहचानने में नहीं आ रही। बड़ी नाक कटा दी तूने छोरी। शहर में जाते हैं ना तो यही कांड करते हैं। या जरा कुछ कहना है? आप चाहती थी मैं आपके पास आ जाऊं, तो मैं आ गई। आप मेरे पापा को कुछ नहीं करेंगी। आपको गुस्सा मुझसे है ना, तो आपको जो भी करना है वो आप मुझे करेंगी। आप नकुल को उसके गांव जाने देंगी? आप नकुल को कुछ नहीं करेंगी? आपका गुस्सा मुझसे है ना, तो आपको जो भी करना है वो आप मुझे करेंगी। नकुल, इतनी सी थी है, कब छोरियां बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। करंटी लग गया, खून तो तेरा बड़ा गर्म है। जे खून अगर गांव के विकास में लगा दी तो गांव का कितना विकास होता। जाओ जी तुम लोग, ये छोरा छोरी की विदाई मैं करूंगी। अम्मा जी, जैसा आपने कहा था, नंदिनी की शुद्धि करा दी है। ये कुल देवी का प्रसाद लाया हूं, इसको ग्रहण करें। जय माँ भवानी। खाओ और सबको बांटो।
माफी रानी माँ, गाँव में सुखी तो होनी ही थी, दोषी लोगों की विदाई तो